मुंबई की अपार भीड़ में एक गुमनाम चेहरा, एक ऐसा गुमनाम चेहरा जिसने अपने अटल विश्वास, बुलंद हौसले और बेबाक हिम्मत से बेफिक्र सोई एक पूरी युवा पीढ़ी को झकझोर कर रख दिया। लेकिन सवाल यह है कि अपने रिटायरमेंट की उम्र में आराम फरमाने के बजाय जूलियन ग्रेस सड़कों पर आंदोलन क्यों कर रहे थे? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि उनके यहां इस तरह बैठने और उनके बेटे की मौत के बीच संबंध क्या था? शैरन, वो माँ की स्ट्राइप रेड टी शर्ट लेके आओ ना जल्दी से, मैं पैकिंग कर रहा हूँ भाई। और उसका वो फेवरेट टॉवल जो किसी को इस्तेमाल करने नहीं देता है वो, और वो शेविंग किट और वो लेके आना, क्या बोलते हैं, चॉकलेट था जल्दी से जो बनाई है तुमने। अब कब लेके जाएगा, कब आएगी तू? शैरन, वो क्या है, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? इतना बड़ा हो गया फिर भी आज तक मैं हमेशा उसी का बैकपैक करता हूँ। उसने तुमको बोला ये सब करने को, तुम फिर को चिंता करते हो? अरे चिंता की बात नहीं है शैरन, देखो ही इज गोइंग अब्रॉड, वो कैसे रहेगा क्या करेगा यही चिंता मुझे खाई जाती है। जरियन, रियली मार्क चला जाएगा तो ये घर एकदम सूना हो जाएगा ना। हेलो, मैं हूं ना। वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा है, खुद अपने आप सब संभाल लेगा। लाइक फादर लाइक सन। देखा, उसी का फोन। मेरा फोन कहाँ है? अरे आवाज यहीं से आ रही है तो यहीं कहीं होगा। अरे क्या आवाज यहीं से आ रही है? अरे ढूंढो, तुम फोन ढूंढो, मैं उसका शूज लेकर आती हूँ। अरे हाँ, वो चप्पल मत भूलना प्लीज। हाँ हेलो, जूलियन किधर जाने का है, तुम बोलता क्यों नहीं है? अरे कहाँ जा रहे हैं हम लोग? Where are you taking me? सिटी हॉस्पिटल जाओगे? अरे सिटी हॉस्पिटल जाओगे कि नहीं? सुनिए सुनिए, सिटी हॉस्पिटल जाओगे? नहीं उधर नहीं जाना है। क्यों नहीं जाओगे, सिटी हॉस्पिटल जाओगे कि नहीं? अरे उधर नहीं जाना है, मेरा बेटा मर रहा है। चलिए बैठिए बैठिए, चलिए आइए। सॉरी प्लीज हटिए हटिए। सुनिए मेरा बेटा मार्क ग्रेस अभी एडमिट हुआ है। जी, उनके ऊपर चाकू से काफी बार वार हुआ है, वो अभी इमरजेंसी में है। इमरजेंसी वार्ड यहाँ से राइट। हटिए प्लीज, नर्स हमें ब्लड चाहिए, कैसे भी करके ब्लड चाहिए। अगर यहाँ नहीं है तो दूसरे हॉस्पिटल में फोन करो, मैनेजमेंट को बोलो कैसे भी करके ब्लड का इंतजाम करे। वो नेगेटिव, ठीक है, इज इट क्लियर? मूव फास्ट डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब प्लीज, आप अभी अंदर नहीं जा सकते। प्लीज दो मिनट, देखिए हमें स्ट्रिक्टली ऑर्डर है, आप अभी नहीं जा सकते। दो मिनट, मेरा बच्चा अंदर है, मुझे प्लीज 2 मिनट के लिए जाने दीजिए। एक झलक देखने दीजिए मुझे। सर केस क्रिटिकल है, आप समझने की कोशिश कीजिए। आंटी, मिस्टर जूरियन ग्रेस, आप मार्क के फादर हो ना? जी। एक सिग्नेचर चाहिए था आपका, जस्ट अ फॉर्मेलिटी। और प्लीज, मार्क के किसी से कोई दुश्मनी थी? घर से जाते समय आपसे कुछ बोलकर गया था कि कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं, मुझे 2 मिनट अंदर जाए। आई एम सॉरी, डॉक्टर लोग अपना काम कर रहे हैं, प्लीज चलिए। अंकल, आपके पास कुछ पैसे हैं क्या? वो हॉस्पिटल में जमा करना था। मेरे पास एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड? अंकल वो आपके पीछे एटीएम है अंकल। माँ, हाँ तुम यही रहना। हाँ अंकल मैं यही हूँ, मैं अभी आया। हाँ मिलना नहीं यहाँ से। हाँ यही रहना, मैं अभी आया। अंकल, what happened? अंकल,
What happened? What happened to Mark? Uncle, we lost him, Uncle. एक 23 साल के लड़के की अचानक मौत हो जाती है। एक पिता के लिए इससे बड़ा सदमा और क्या हो सकता है। 4 घंटों पहले जो मार्क हंसता मुस्कुराता घर से गया था, अब उसके बजाय उसकी मौत की खबर घर पहुंची। आखिर इन चंद घंटों में ऐसा क्या हुआ कि मार्क की जान चली गई? क्यों उसे कोई बचा नहीं पाया? क्या जूलियन को इस बात का जरा भी अंदाजा था कि मार्क को किस वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी? मिस्टर ग्रेस, हम आपकी तकलीफ समझते हैं, लेकिन बिना किसी एविडेंस के हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। आप नहीं करेगा तो कौन करेगा? देखिए, वहाँ 6 दुकानें हैं और करीब 30 लोग थे। सबका यही कहना था कि किसी ने कुछ नहीं देखा। आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे बेटे और पीटर को किसी ने नहीं मारा? और सर, मैंने आपसे कहा भी, जब मैं शोर सुन के बाहर आया, मैंने देखा कि चलिए ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने मार्क और पीटर को मारा, उनकी शक्ल तूने देखी? और ये जरूरी नहीं है कि वो लोग वहां से उस बस्ती की तरफ गए तो वो उस बस्ती में रहने वाले हो। किसी ने कुछ नहीं देखा। मार्क के दोस्त बता रहे थे कि मार्क की गर्लफ्रेंड उसे बचाने की कोशिश कर रही, लेकिन वो भी तो कुछ नहीं बता रही। अब आप बताइए, कैसे ढूंढे हम लोगों को? अब हम लोग जाकर पूरी बस्ती वालों को तो गिरफ्तार नहीं कर सकते ना। आपके कहने का यह मतलब है कि जिन लोगों ने मेरे बेटे मार्क और पीटर को मारा, उन्हें सजा नहीं मिलेगी? आप लोग मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए। जब तक मुझे जस्टिस नहीं मिलता, मैं चुप नहीं रहने वाला। चलो बेटा। मेरे बेटे और उसके दोस्त को बस्ती के गुंडों ने मारा है, ये मैं भी जानता हूँ और पुलिस भी जानती है। सब जानते हैं, लेकिन कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। कानून बेकसूर लोगों की मदद के लिए होता है, तो फिर मेरे बेटे के लिए कोई कुछ क्यों नहीं कर रहा? मेरे बेटे ने कुछ गलत नहीं किया, तो फिर उसे इंसाफ क्यों नहीं मिला? जस्टिस नहीं दिला देता, मैं ये लड़ाई खत्म नहीं होने दूंगा। बात सिर्फ एक फैमिली की नहीं, ऐसी बहुत सी फैमिली का सवाल है। राघव, तुम इन लोगों को जानते हो? नहीं अंकल, मैं इन्हें नहीं जानता। क्या हो रहा है? हम सबको बता रहे हैं कि हमारी बस्ती में अच्छे शरीफ लोग रहते हैं। क्या हो रहा है? देखो अंकल, हम लोग आपके साथ हैं, पर आप भी तो समझो ना जरा। आप ऐसा प्रेस में कुछ भी उल्टा सीधा स्टेटमेंट देते रहेंगे तो कैसा चलेगा? ये बात बरोबर नहीं है कि आप बोल रहे हैं दोनों खूनी हमारी बस्ती में रहते हैं।
हाँ हम समझते हैं आपका बहुत बड़ा लॉस हो गया है, लेकिन आप ऐसा गलत सलत मत बोलो ना अंकल। मेरा बेटा मरा है, उसकी जान गई है। तुम लोग अपने इस खून को अपने पॉलिटिक्स में छुपाने की कोशिश मत करना, समझ गए? और जब तक तुम्हारी बस्ती से उन गुंडों को मैं सजा नहीं दिलवा देता ना, मैं चुप नहीं रहने वाला। एक मिनट अंकल, अपन लोगों को जो बोलने का था ना बोल दिया। अभी आगे से तेरा टीवी पे कोई उल्टा सीधा स्टेटमेंट देखा ना तो देख लेना। चलते हैं अंकल। उनकी उम्र भी काफी हो गई है, बेटे की मौत का असर उनके दिमाग पर हो गया। मैं जानता है उनके साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन अपनी तकलीफ को दूर करने के लिए बस्ती वालों पर इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं। गरीब लोग हैं बस्ती वाले, कौन पूछता है उनको। बस मन में आया बोल दिए। क्या ये किसने बोला आपको ये उल्टा सीधा कुछ भी इंटरव्यू देने के लिए मीडिया में? और क्या सबूत है आपके पास कि वो अपराधी उसी बस्ती के है? हाँ बताओ मेरे को। मेरे पास कोई सबूत नहीं, लेकिन मैं आप और वो लोग जो चुप बैठे जानते हैं कि यही सच है, क्योंकि वो बस्ती किसी नेता का वोट बैंक है। वो उन लोगों को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। कमाल है, हमें अभी तक एक भी सबूत नहीं मिला और आप इतने कॉन्फिडेंट के साथ कैसे बोले जा रहे हो? क्योंकि मैं जानता हूं कि यही सच है। मैं किसी भी कीमत पर अपना स्टेटमेंट नहीं बदलूंगा। आपको क्या लगता है इस तरह के मीडिया के स्टंट बताकर आप ये केस सॉल्व करेंगे? ना आपके पास कोई विटनेस है ना ही कोई पब्लिक सपोर्ट। ढूंढूंगा और सजा भी दिलवाऊंगा। मैं ये सब अकेला ही करूंगा, मुझे किसी की सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। अट्ठावन साल की उम्र में अब जूरियन का शरीर भी उनके साथ नहीं था, लेकिन हिम्मत उम्र की मोहताज नहीं होती, सिर्फ हौसला चाहिए होता है। और जूरियन के पास इंसाफ हासिल करने का जज्बा था, और इस जज्बे के दम पर उन्होंने कानून को भी चुनौती दे डाली, क्योंकि पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाने में लापरवाही बरती थी। ना तो वो मौका वारदात पर सही वक्त पर पहुंची थी, और ना ही अब तक मार्क के कत्ल का कोई चश्मदीद गवाह ढूंढ पाई थी। और तो और, अपराधियों को बचाने के लिए एक राजनेता ने इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश शुरू कर दी। यानी कुल मिलाकर पूरा का पूरा सिस्टम जूरियन के साथ तो छोड़िए, उनके खिलाफ खड़ा था। इस उम्र, इस दबाव और इन हालात में जूरियन हार मान सकते थे, घुटने टेक सकते थे, लेकिन नहीं, वो बगैर किसी मदद के, बिना किसी सहारे के, अकेले ही इंसाफ के अग्निपथ पर निकल पड़े। मां को इंसाफ जरूर मिलेगा शरण, मैं जीना से जाके बात करूंगा, उसे समझाऊंगा कि वो पुलिस को जाके सब कुछ सच सच बता दे। चल जीना। नहीं चाहती कि तुम इस केस में इन्वॉल्व रहो। But I loved him, मम्मी। मुझे बचाते-बचाते मार्क की जान चली गई। आप इसे कैसे बोल सकती हैं? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मार्क से प्यार करती थी, लेकिन इस वक्त तुम्हारी सेफ्टी से जरूरी मेरे लिए कुछ नहीं है। मिसेज डिसूजा, मैं आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ। अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं
मैं भी इसी तरह मां को प्रोटेक्ट करता। काश मैं उस दिन उसके साथ होता, कम से कम मैं जस्टिस के लिए लड़ तो सकता हूं। आप भी जानती हो, मैं भी जानता हूं, जो भी मां ने किया सही किया, जो एक रिस्पॉन्सिबल इंसान को करना चाहिए। एक लड़की के लिए, लेकिन जरा सोचिए, अगर मैं और आप चुप रहें और मार्क के लिए लड़े नहीं, तो कल को कोई भी लड़का, किसी भी लड़की, अगर वो मुसीबत में है तो आगे नहीं आएगा। कल को कोई भी लड़का, किसी भी लड़की, अगर वो मुसीबत में है तो आगे नहीं आएगा। मार्क और मैं एक साथ बहुत खुश थे, हमेशा मुझे सपोर्ट करता था। अगले दिन मार्क अपने जॉब के लिए दुबई जाने वाला था, इसलिए हमने सोचा कि छोटा सा गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज करते हैं। लंच खत्म करके हम रेस्टोरेंट के बाहर निकल ही रहे थे कि मजा आ गया यार खाना खाके। लेकिन यू नो व्हाट, तुम लोग ना कभी भी मेरी बात सुनते ही नहीं। मैंने बोला था ना दैट लेट्स गो टू अ क्लब टू पार्टी, लेकिन एज यूजुअल तुम तुम्हारी फेवरेट रेस्टोरेंट में हमें खाना खाने लेके आए। अरे पर खाना तो अच्छा था ना गाइस। हां अच्छा था। ओके गाइस, पान हमारा फेवरेट पान। चलो काका क्या हाल है? बढ़िया है बेटा। चार पान लगा दो स्पेशल वाले। अच्छा अच्छा, आप वाला ना? बिल्कुल। क्या प्रॉब्लम है, देख के नहीं चल सकता? अरे सॉरी बोला ना मैडम। अरे मोहन काका। हाँ बेटा। लो एक कोल्ड ड्रिंक लूं क्या? हाँ निकाल ले बेटा, निकाल ले निकाल ले। काका इलायची थोड़ी ज्यादा डालना। अच्छा अच्छा अच्छा, आराम से भाई आराम से। स्पेशल पान, प्लीज भैया, दो और चाहिए मुझे बस। बना दो, दो और। मेरी जान खाएगी ये। सॉरी। ए, क्या प्रॉब्लम है तेरा? ठीक से खड़े रहने को नहीं होता तेरे को? अरे यार सॉरी बोला ना, गलती से मिस्टेक हो गया। अरे कब से देख रहा हूँ, जानबूझकर जीना के नजदीक जाने की कोशिश कर रहा है। क्या रे? अरे सॉरी सॉरी भाई, सॉरी सॉरी भाई सॉरी, आज भाई को है ना दिल में हो गई है थोड़ा। अरे मैं बोल देता हूँ सॉरी भाई। भाई भाई क्या कर रहे हो भाई? वो आदमी बार 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 जानबूझकर बदतमीजी करता रहा इंस्पेक्टर। दो बार तो मार्क ने कंट्रोल करने की कोशिश भी की, लेकिन वो आदमी फिर भी नहीं समझा। आउच! ओह गॉड यार, व्हाट नॉनसेंस! सॉरी, क्या नाटक है? हां सॉरी भाई सॉरी, तभी से गिरी तेरे को। हां भाई मेरे को हाथ लगाया तू, ज्यादा होशियार है आज। बस क्या करेगा, करेगा क्या तू? हां मेरे को सीधा करेगा तू? हां मेरे को करेगा सीधा तू? इधर ही रुक, रुक इधर ही, अभी बताता तेरे को मैं। बाथरूम के बाहर से बस निकल ही रही थी कि रेस्टोरेंट के बाहर मैंने बहुत सारा शोर सुना।
अपराध और इंसानियत के बीच ये जंग सरेआम चलती रही, लेकिन लोग तमाशबीन बने रहे। किसी ने उन नौजवानों का साथ नहीं दिया। क्या कहें ऐसी भीड़ को, डरपोक, बुजदिल या बस संवेदनहीन? शब्द नहीं मिलते हैं जब समाज ऐसी शर्मनाक वारदात का मौन गवाह बना रहता है। अगर हम एक देश और एक समाज के तौर पर लगातार प्रगति कर रहे हैं, तो फिर ऐसी शर्मनाक वारदातों का आंकड़ा क्यों बढ़ता जा रहा है? कानूनन ये एक अपराध है। आईपीसी की धारा 354 और 509 के तहत किसी भी महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने के लिए 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन इसके बावजूद इस घिनौने अपराध पर लगाम क्यों नहीं कसी जा रही? क्योंकि कोई भी आगे बढ़कर इन वारदातों को रोकने की कोशिश नहीं करता, और जो करता है उसका सरेआम कत्ल कर दिया जाता है और हम सब खड़े देखते रह जाते हैं। याद रखिए, कल को आपका कोई अपना भी किसी अपराध का शिकार बन सकता है, और तब शायद आपको भी अपनी लड़ाई जूलियन की तरह अकेले ही लड़नी पड़ेगी। तो तुमने उस आदमी को मार्क को चाकू मारते हुए देखा? बहुत मारा था मार्क को, बहुत मारा था उसे। देखिए, आप समझे नहीं, जिसने मार्क को मारा था उसकी शक्ल देखी आपने? लेकिन जब वो लोग मार्क को मार रहे थे, मैं तो रेस्टोरेंट के अंदर थी। लेकिन उस आदमी के अलावा और कौन हो सकता है इंस्पेक्टर साहब? आई एम श्योर वही आदमी था। होगा से काम नहीं चलेगा मैडम, पक्का बताइए कि वही था या नहीं। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि वही आदमी था या नहीं था। लेकिन वहाँ पे और बहुत सारे लोग थे इंस्पेक्टर साहब। वहाँ पे वो पान वाला था, नारियल पानी वाला था, रेस्टोरेंट का वेटर, इतने सारे लोग थे, उन लोगों ने तो देखा था ना। लेकिन कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। ये केस सॉल्व करने के लिए हमें किसी भी तरह इन लोगों को बोलने पर राजी करना पड़ेगा, वरना ये केस सॉल्व करना मुश्किल है। देखिए देखिए, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। जब तक आप दोनों सच नहीं बताएंगे, मार्क को इंसाफ नहीं मिलेगा। पुलिस को गवाह चाहिए, सबूत चाहिए उन्हें। प्लीज आप दोनों समझने की कोशिश कीजिए। आप दोनों को उस दिन मुझे रोकना ही नहीं चाहिए था। मरने दिया होता मुझे मेरे मार्क के साथ। ठीक है, चुप रहिए बस आप दोनों। लेकिन अब हम चुप नहीं रहेंगे, सुना आपने? अंकल, आपने तो सब कुछ देखा था ना, अपनी आंखों से देखा था ना। प्लीज प्लीज पुलिस को सब कुछ सच सच बता दीजिए, वरना हमारे मार्क को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। अंकल प्लीज, प्लीज अंकल, मुझे माफ कर दो। We'll be right back.
मेरे दोस्तों को उन गुंडों ने यही चाकू घोप कर मारा था। आप सब लोगों ने देखा था, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा। प्लीज प्लीज हमारा सपोर्ट कीजिए। नमस्ते अंकल। आपके बेटे के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब ये सब करने से कुछ बदल तो नहीं ना जाएगा? मेरा मतलब, क्या ये सब जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से ये पान वाला दुकान नहीं खोल सकता है? आने जाने वालों को तकलीफ, बस्ती वालों को तकलीफ, आप समझ रहे हैं ना मेरा मतलब? आपको धरना के वास्ते, आपको मोर्चा के वास्ते जगह मांगता है, मैं देता है। आखा मुंबई में कहां भी बोलो, मैं देता है। लेकिन यहां से ये सब हटा दो। इसमें सबके लिए अच्छा रहेगा। मुझे किसी की तकलीफ की परवाह नहीं। जब तक मेरे बेटे को इंसाफ नहीं मिल जाता, यहां से हिलने वाला नहीं। देखिए, अभी आप गलत कर रहे हैं। इतना प्यार से समझाया, फिर भी अगर आप नहीं माने तो हमको जबरदस्ती करना पड़ेगा। और आपको आता भी क्या है? नेताजी, मीडिया वाले आ गए। देखिए, जितना जल्दी हो सके आप यहां से चले जाइए। इसी में आप सबकी भलाई है। आखिर आप ये सब क्यों करना चाहते हैं? आपको क्या लगता है मैं यहाँ बैठ के क्या कर रहा हूँ? मुझे इस वक्त अपनी पत्नी को संभालना चाहिए, लेकिन वो यहाँ मेरे साथ बैठी है। क्यों? मुझे इंसाफ चाहिए। जिस किसी ने मेरे बेटे मार्क और उसके दोस्त पीटर को मारा है, वो अब तक पकड़े क्यों नहीं गए? अगर पुलिस अपना काम ईमानदारी से करती तो मुझे ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। सबने देखा मेरे बेटे को किसने मारा, लेकिन कोई मेरे बेटे के लिए आगे नहीं आया। जब तक हम डरते रहेंगे, जब तक हम अपने आप को बदलेंगे, तब तक ये होता रहेगा। जब तक मुझे जवाब नहीं मिलता, मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं। ए बुट्टे, तेरे को बोला था ना इधर बैठने का नहीं, समझ में नहीं आया तेरे को? ए ए, साफ तोड़ दे ये दुकान का, तोड़। अरे अरे, ये क्या कर? चल चल निकल इधर से। पुलिस स्टेशन, आज के बाद तेरा नौटंकी इधर दिखना नहीं चाहिए, समझा ना? चल चल निकल। तुम भी थे क्या? क्या? जिन्होंने मेरे बेटे को मारा उनमें तुम भी शामिल थे क्या? ए बुड्ढे, ज्यादा बोलने का नहीं, समझा ना? नहीं तो तेरे को भी ना क्या मारेगा ना, जैसे मेरे बेटे को मारा था। मैं मरने से डरता नहीं। ये चल रहे, चल इसको बाद में देखते हैं। ए बुड्ढे, कल से यहाँ बैठने का नहीं, तू भी जाएगा अपने बेटे के पास, ध्यान रखना।
आप ठीक तो हैं? जी हाँ, मैं ठीक हूँ। हमने सुना है यहाँ के कुछ लोकल गुंडे आपको परेशान कर रहे थे। जी आए थे, चले गए। देखिए, आपको कुछ भी परेशानी हो तो प्लीज मुझे कॉल कर दीजिए। जी जरूर, थैंक यू। ठीक है, अंकल मैं बताऊंगा आपको सब कुछ। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, मार्क को एम्बुलेंस तक मैं ही लेके गया था। मैं बताऊंगा पुलिस को सब कुछ सच। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? और तुम ये काम छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अंदर। नहीं सर, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, ये मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। तो पड़े रहो यहीं, और कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? देखो बेटा, मेरे लिए तुम अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? जाओ बेटा, काम पे चले जाओ। नहीं सर, अगर आज मैं चुप रहा तो जो आपके बेटे के साथ हुआ कल वो मेरे साथ भी होगा, मेरे भाई के साथ भी होगा। मैं आज चुप नहीं बैठने वाला सर, मैं बताऊंगा पुलिस को सब कुछ सच। थैंक यू बेटा, चलें। साहब, मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूं। देखो मोहन, डरने की कोई जरूरत नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। उस दिन वहां पर जो भी कुछ हुआ हो सच सच हमें बता, तुम्हारे एक बयान से ये केस सॉल्व हो सकता है। ठीक है, हिम्मत रखो साहब। मार्क और पीटर को जिसने मारा है वो उसी बस्ती में रहता है। कहने के लिए तो वो एक क्लीनर है, लेकिन वो क्लीनर लोगों का लीडर भी है। लीडर होने के नाते उसका उस बस्ती में बहुत वट है। उसके घर का पता मुझे मालूम है, अगर आप लोग कहें मैं उसका घर का पता बता सकता हूं। ए ओरा, चाचा कितनी बोकस चाय। चले चल। यही लड़का था जो बार बार मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। माँ का पीटर को जिन लोगों ने मारा था ये उन लोगों में से ही था। यही लड़का था इंस्पेक्टर साहब, यही लड़का था। इंस्पेक्टर साहब, यही था वो लड़का। किसी ने मारा है मार्क और पीटर को, मैंने अपनी आंखों से देखा है। किसी ने मारा था। इंस्पेक्टर साहब, यही है जो बार बार मैडम को छेड़ रहा था। मार्क ने इसे रोका, इसकी मार्क की बहस हो गई और उसके बाद ये भाग के गया बस्ती में और अपने साथियों को और लेके आया और अपने साथियों के साथ मिल करके मार्क और पीटर को इसी ने मारा है साहब, इसी ने मारा है। कांस्टेबल, कस्टडी में लो इसको। कौन था उस दिन तेरे साथ?
कौन था? क्या क्या नाम थे बोल उसके? नाम नाम चाहिए? रघु। ये राज पकड़ इसको। राजेश। देख बेटा गेम। कितने बसता है बच्चों? बड़ा रखा था धारा चला। धारा चला रखा था। सब 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 थैंक यू। फाइनली मेरे बेटे को जस्टिस मिल गई। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने साथ नहीं दिया होता तो शायद ये सब कुछ मुमकिन नहीं होता। दुख की बात यह है कि अगर सभी लोगों ने उस वक्त अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वक्त पे निभाई होती तो शायद मुझे इतना सब कुछ नहीं करना पड़ता। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी बाधाएं आई, कितनी चुनौतियां आई, लेकिन जूरियन ग्रेस ने एक पल के लिए भी हार नहीं मानी। उनकी जिंदगी का एकमात्र मकसद था अपने बेटे मार्क को इंसाफ दिलाना, और कोई भी रुकावट उनके इस मकसद को हिला नहीं पाई। और यही दृढ़ संकल्प इंसाफ की लड़ाई में अहम भूमिका अदा कर जाता है। अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक साधारण इंसान की असाधारण कहानी के साथ, जिनकी हिम्मत पूरे देश के लिए बन गई एक मिसाल। देखते रहिए सावधान इंडिया, 100 दिन 100 मिसाल। तो सावधान।